हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं विलेज घूमने, तो आपको दिखाएंगे ये विलेज आप लोग कहीं नहीं देखे हैं। और आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक। अब चलते हैं हम लोग विलेज, कैसे कैसे जाते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से निकलते हैं, कब पहुँचेंगे, सब कुछ आप लोग को दिखाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनने वाली है। हम लोग निकल चुके हैं, देखिए हमारे साथ ये मित्र लोग हैं जो जा रहे हैं हमारे साथ। और ये देखिए बुलडॉग भाग रहा है रोड पे, ये हमारा ड्राइवर है। बट हम लोग लोकल में जा रहे हैं इसीलिए हेलमेट नहीं यूज कर रहे हैं, बट आप लोग हेलमेट यूज कीजिएगा। हम लोग मुश्किल से 1 किलोमीटर जाएंगे जिसकी वजह से हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग सब हेलमेट यूज कीजिएगा, भूलिएगा मत कोई। यहाँ पे बस देखिए हम लोग को बस यहीं आगे जाना है इसीलिए हेलमेट ले पाए। और ये पीछे हम लोग का घर, जिसकी वजह से हेलमेट यूज ना करके हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और मज़े लीजिए गांव का। और हम लोग देखिए गांव में कैसे घूम रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्पीड का भी वार्निंग लिखा हुआ कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा 20 के स्पीड से ज़्यादा ना चलें। देखिए यहाँ पे दो रास्ते हैं यहाँ जाने के लिए, एक ये और एक ये, दो रास्ते हैं। तो चलिए कुछ यूनिक जगह पे ले चलते हैं, कई वर्ष पुराना मंदिर ले चलेंगे, घुमाएंगे आपको, मार्केट दिखाएंगे कितना तरक्की कर रहा है, ये सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। तो वीडियो पे बने रहिएगा तभी तो देखिएगा। हेलो गाइस, हम लोग मंदिर पे आ चुके हैं, ये लगभग 200 साल पुराना मंदिर है, आपको दिखाएंगे इस मंदिर की सब खासियत। थोड़ा बच के रहना पड़ता है, यहाँ पे गाड़ी घोड़ा पार होते रहता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग मंदिर देखिए, आपको डिटेल में दिखाएंगे, यहाँ पे जूते चप्पल खोल के घुसना पड़ता है। तो मंदिर के अंदर जाएंगे तो दिखाएंगे, ये भोलेनाथ का मंदिर है, महादेव महाकाल का। देखिए यहाँ पे शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं। तो ये पीछे जो आप देख सकते हैं, ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये पीछे, ये बच्चों का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, और जस्ट मंदिर के सामने ही है। तो आपको चलिए मंदिर लोग देख सकते हैं, श्री गणेश से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, मंदिर के अंदर जाएंगे फिर। देखिए गणेश जी का मूर्ति, यहाँ पे छोटे छोटे शिवलिंग भी हैं दो, ये देखिए बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, हिंदू धर्म में ये सबसे। बाहर का एरिया दिखा रहे हैं, ये मंदिर का बाहर का है, उठने बैठने के लिए है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से पूजा पाठ करने के लिए लोग आते हैं, जिसके वजह से यहाँ सीटिंग का व्यवस्था किया गया है। ये आप देख सकते हैं बालाजी चौखट, यहाँ पे कुआं है बहुत पुराना जिसमें छोटे छोटे बच्चे ना चले जाएं, जिसके वजह से घेर घार के रखा गया है। तो आप बाहर का नज़ारा देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। यहाँ मंदिर में घुसने से पहले हाथ मुंह अच्छे से धो के जाया जाता है, जिसके लिए यहाँ पे सरकार के द्वारा सरकारी कल लगाया गया है। तो चलिए मिलते हैं नंदी महाराज से, उसके बाद मंदिर का पूरा दर्शन करवाएंगे। ये दूर से देख सकते हैं मंदिर कैसा दिखने में है, ये पेड़ पौधों की वजह से मंदिर नहीं आ रहा अच्छे से। तो आपको दिखाते हैं नंदी महाराज, यहाँ पे देखिए हवन होता है, ये देखिए नंदी महाराज, ये ठंडी में भी बाहर ही रहते हैं, ये देखिए इनको अच्छे से, यहाँ से देखिए भोलेनाथ को देखा जाता है। तो मंदिर के आसपास देखिए, मंदिर के आसपास दिखा रहे हैं, देखिए कितना स्वच्छ है, साफ सुथरा बहुत अच्छा है। देखिए मंदिर कमेटी का नोटिस बोर्ड, ये देखिए मंदिर है और कितने बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं। तो हम लोग मंदिर के अंदर जाया जाएगा और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके, यहाँ पे डीहा में जितना भी स्वच्छ जगह है सबको दिखाया जाएगा। तो आप देखिए कितना खूबसूरत, कितने बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं, ये मंदिर है अंदर
लाइट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दिख नहीं रहा है। यहाँ की सीलिंग है जो खुद से उत्पन्न हुई थी। ये देखिए दान पेटी है, आप लोग जब भी आए तो इसमें दान करके जाएं। यहाँ पे देखिए सूप, देखिए यही हम लोग का ग्राम है डीहा आजमगढ़। ये देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं सब तो पूजा पाठ करते हैं। आप लोग तो सुने थे हनुमान चालीसा, बट आज शिव चालीसा देख लीजिए, आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए आप लोग। ये लोग देखिए पूजा के लिए लाइन में लगे हुए हैं, इनको जब समय मिलेगा तो ये अंदर जाएंगे पूजा पाठ करेंगे। ये मित्र लोग हमारे साथ ही हैं, इनका नाम गोलू है, इनका नाम सचिन, और वो बाहर में जो घूम रहे हैं उनका नाम सौरभ। आपका क्या नाम है? राजू। देखिए यहाँ पे ग्रामीण एरिया में जब भी कोई शादी विवाह का प्रोग्राम होता है या कोई ये होता है तो पहला इनविटेशन कार्ड इसी शिव मंदिर में आता है। तो आप देख सकते हैं इतने कार्ड हैं सारे, देख सकते हैं। तो हम लोग भोले बाबा को प्रणाम करके मंदिर के अंदर जाया जाएगा, उसके बाद सारा दृश्य दिखाते हैं आप लोगों को। आइए अंदर आइए, आपको दिखाते हैं। दीजिए हम दिखाते हैं। ये देखिए चौकट है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दो नंदी, यहाँ पे यही देखिए शिवलिंग इससे उत्पन्न हुई है, 200 साल पुरानी है। ये देखिए इतने ढेर सारे घंटे लगे हुए हैं इसके ऊपर में, देखिए गुफा की तरह बना हुआ है। यहाँ पे सुबह सुबह पूजा पाठ करके देखिए बजरंग बली, ये भी बजरंग बली। यहाँ पे देखिए भोले बाबा की मूर्ति साथ में नंदी सेम, ये गणेश जी की मूर्ति, ये माता की मूर्ति है देवी की, ये भी देवी की मूर्ति। ये देखिए कई वर्ष पुराना मंदिर, हमारे दादा परदादा कहते हैं कि ये 200 साल पुराना शिवलिंग है जो खुद से उत्पन्न हुआ था। आपको दिखाया जैसे कि आगे हम तो इसके बगल में छोटे छोटे मंदिर हैं, उन सबको भी दिखाएंगे, प्लस साथ में एक पोखरा है, पोखरा को भी दिखाएंगे। और उसके बाद वीडियो पे बने रहिए आप लोग, अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। यहाँ का जितना भी खूबसूरत जगह है आपको दिखाने वाले हैं हम। इस तरह से नहीं देखे थे तो आप देखिए मंदिर, ये पुराना है बट यहाँ पे कमेटी की तरफ से इसको स्वच्छ रखा गया है और इसका मरम्मत किया जाता है बढ़िया से। बगल में देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर और निर्माण हो रहा है, ये मंदिर का मुख्य द्वार है जहाँ से जाया जाता है। अब देखिए पीछे आप देख रहे हो रेड कलर का, वो वहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, वो सब भी मंदिर हैं, तो वो सबको भी हम दिखाने वाले हैं। और साथ में उधर पे नीचे में वहाँ पे एक पोखर है जिसमें सब छठ पूजा ये वो करते हैं, तो उसको भी देखिए। इसी गेट से हम लोग प्रवेश करेंगे छोटे छोटे मंदिर को दिखाने के लिए। ये देखिए ये हमारे सपोर्ट में आए हुए हैं, यही देखिए दो छोटे छोटे मंदिर हैं, ये हनुमान मंदिर और ये देखिए ये दुर्गा जी का मंदिर है। तो यहाँ पे ताला मारा हुआ है, पुजारी जी बंद करके चले गए हैं। देखिए मंदिर कितना खूबसूरत है। ये संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, कोई भी संकट हो हनुमान जी से कहिए, वो दूर कर देंगे आपका संकट। बस यही है छोटे छोटे मंदिर। जा रहे हैं यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो बहुत ही मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर, कि वो सोचते हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़ के शिक्षित हो जाएं, जिसके वजह से यहाँ पे आईटीआई कॉलेज खोल के रखे हुए हैं कि बच्चों को दूर ना जाना पड़ा शिक्षा के लिए। तो आप लोगों को दिखाते हैं ये कॉलेज, तो ये कॉलेज देख सकते हैं अभी निर्माण हो ही रहा है। यहाँ पे बहुत शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया जाता है, यहाँ के लोग बहुत ध्यान देते हैं, ग्रामीण एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत ध्यान देते हैं। तो ये देखिए हमारे मित्र लोग आ रहे हैं पीछे, और
इसके बाद हम लोग चलते हैं कोई अच्छी सी जगह देखेंगे, फिर उसके बाद ये देखिए बारिश की वजह से अभी तक धान कटा नहीं है, कट जाएगा। तो चल रहे हैं आगे, देखते हैं कुछ मज़ेदार जगह मिलेगी तो आप लोगों को दिखाएंगे अच्छे से। हमको भी नहीं पता है ये डी, यहाँ ये आजमगढ़ का बहुत ही छोटा सा गांव है, इतना छोटा है। देखिए ये जो बस जा रही है यहाँ से, बस का सुविधा है, यहाँ से जीप उप का सुविधा है, ऑटो मिलता है चकरपानपुर, यहाँ यहाँ से आजमगढ़ जाने के लिए मिलता है। ये सब रिजर्व करके भी जा सकते हैं, ऐसे प्राइवेट कार है, यहाँ से गाड़ी और बस यातायात का सुविधा भी है, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए जो पीछे बस खड़ी है ना, ये बनारस जाती है, यहाँ से बनारस के लिए भी बस मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है। देखिए यहाँ पे सरकार कितना सक्षम है कि ये जो पीछे बस आ रही है स्कूल बस है, छोटे छोटे गाँवों से लेके आते हैं ये यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए। ये देखिए जो पीछे दिखाई दे रहा ना, ये बहुत बड़ा पोखरा है, ये जल्दी सूखता ही नहीं है चाहे कितना भी गर्मी पड़े यहाँ पे। ये लगभग 150-200 साल पुराना पोखरा है, तब तक हमको होश भी नहीं था। ये हमारे दादाजी बताया करते थे कि उनके बचपन से ये देखते आ रहे हैं इसको। तो ये देखिए यहाँ पे अब तरक्की हो रही है, धीरे धीरे दुकान घर सब बन रहे हैं नए नए। यहाँ पीछे उधर जो दिख रहा है उधर स्कूल है, यहाँ पे वहाँ पे गौशाला है, जो ट्रेन जैसा दिख रहा है वो गौशाला है। यहाँ पे ट्रेन की सुविधा नहीं अवेलेबल है, ये देखिए आप नज़ारा। उसके बाद आगे मिलते हैं कहीं और, कुछ खाने पीने का भी दिखाते हैं दुकान के, यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है फूड में, और यहाँ का सबसे बढ़िया क्या मिलता है वो भी आपको दिखाएंगे। तो छंती है, और ये यहाँ का सुबह का नाश्ता है, जब भी आप यहाँ आइए तो यहाँ का जलेबी खा के जाइएगा। देखिए कितने प्यार से बना रहे हैं, ये देखिए यहाँ मार्केट है। ये ग्रामीण एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पे अधिकतर सेवा सुविधा उपलब्ध है, ठीक। यहाँ पे बहुत ही शिक्षित लोग पाए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक। चलिए हम आपको नेक्स्ट कोई स्कूल या कॉलेज दिखाते हैं। देखिए इंटर कॉलेज है, श्री शंकर इंटर कॉलेज डीहा आजमगढ़। भाई देखिए सोनालिका का ट्रैक्टर, देखिए श्री शंकर इंटर कॉलेज का अंदर में देखिए कितना बच्चों के लिए फैसिलिटी है, यहाँ वॉलीबॉल खेलने का। और इधर देखिए स्कूल खुला हुआ है, जिसके वजह से स्कूल के अंदर नहीं जाएंगे, बट देखिए स्कूल के अंदर पूजा पाठ भी करवाते हैं बच्चों से, और प्लस स्कूल बहुत ही अच्छा चलता है। यहाँ बचपन में हम भी पढ़े हैं, यहाँ पे एक टाइम ना मनोज तिवारी भी आए हुए थे। तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे, आप लोग देख सकते हैं पीछे आपको दिख ही रहा होगा सब कुछ। तो यही कॉलेज है 12th तक, यहीं पे बच्चे पढ़ते हैं, इसके बाद सब बाहर जाते हैं यहाँ से आजमगढ़ चकरपान। ये देखिए यहाँ पे मेरे झोल बन रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं ये गांव छोटा सा गांव कितना तरक्की कर रहा है, क्योंकि तरक्की का सबसे मेन स्रोत होता है शिक्षा। जहाँ के लोग शिक्षित रहेंगे वहाँ पे ये देखिए हनुमान जी का मंदिर है छोटा सा, बट जाएंगे नहीं वहाँ पे, बस धीरे धीरे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल है छोटा सा, ये क्या बोलते हैं कृष्णा नर्सिंग होम। तो कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो आइए विजिट कीजिए और चेकअप करवाइए, जब यहाँ नहीं होगा तो PGI मेडिकल कॉलेज है उसमें जाके ट्रीटमेंट करवाइए। आइए देखिए कितना मज़ा में घूम रहे हैं बच्चे लोग। बोलूँ मत कुछ, तो ये देखिए छोटे मोटे गांव है, देखिए गांव में भी बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी है, सोचिए ये गांव कितना तरक्की पे है। ये सब देखिए बहुत ही हरा भरा गांव। अब हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे एक नदी है, नदी के किनारे जाएंगे, सैयद बाबा का मंदिर है उसको दिखाएंगे आप लोगों को। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे कितना उत्साह से जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ये देखिए
बहुत प्यारी प्यारी भैंसों भैंसों के लिए कितना सुविधा है, गाय गोरु को पालन पोषण होता है यहाँ पे। अब हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे मिलेंगे, क्या बोलते हैं, सैयद बाबा के मज़ार पे, उसके बाद नदी दिखाएंगे। पहली नदी है ये, पहली नदी है यहाँ पे, और उसके बाद ही घर की तरफ जाएंगे, या वहाँ पे कुछ होगा नाश्ता पानी तो किया जाएगा, करके सीधे घर के लिए रवाना होंगे। आप लोग देख सकते हैं ये नदी, पहले इस नदी में कोई ब्रिज व्रिज नहीं था, तो यहाँ पे सब नाव से पार करते थे। ये इस नदी का नाम है मंगई नदी। इसके आगे में ही सैयद बाबा का मंदिर है, वहाँ पे आज जाके आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए दूर दूर से आते हैं डिया क्षेत्र में सब बच्चे पढ़ने के लिए, ये बस देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए नदी के पास सरकार द्वारा लगाया गया नलका, सरकारी नलका जिसको हम लोग कहते हैं, पानी वानी पीने के लिए यहाँ पे दिखाया जाता है, सॉरी लगाया गया है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ऐसा अगर कहीं पे भी रहे तो ऐसा सिग्नल रहे तो समझ जाइए कि आगे ब्रिज है, छोटा रहे या बड़ा रहे लेकिन ब्रिज है, उसके आसपास ये सब है। तो ये देखिए नदी कितना सुंदर लग रही है, इसका ये देखिए यही लोग आए हैं हमारे साथ जो दिखा रहे हैं हमको घूम घूम के, तो हमें भी नहीं पता तो हम देख रहे हैं। तो ये नदी देखिए पीछे कितना अच्छी लग रही है और कितना खूबसूरत लग रही है, ये देखिए कितनी स्वच्छ है और सुंदर लग रही है। ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पड़ता है, छोटे से गाँव डीहा के अंदर इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगहें हैं। अब देखिए यहीं से नाव से सब पार करते थे, अब थोड़े यहाँ पे मूर्ति विसर्जन भी किया जाता है। देखिए ढेर सारी मूर्तियाँ हैं, सरस्वती पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, ये सब का मूर्ति विसर्जन यहीं पे किया जाता है। थोड़ा गला बैठने के कारण अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग लास्ट में दिखाएंगे सैयद बाबा का मंदिर, उसके बाद हम लोग कुछ खाएंगे, खाने पीने के बाद क्या। तो वीडियो जैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और प्लस चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जब सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आप लोगों को दिखेगा पूरा। यहाँ पे जितने छोटे छोटे सिटी हैं हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जब तक रहेंगे यहाँ पे दिखाएंगे, फिर उसके बाद फिर कहीं जाएंगे तो कहीं और का वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को। दोस्तों ये पीछे देखिए सैयद बाबा का बहुत पुराना मज़ार है, जहाँ पे लोग मन्नत मांगने आते हैं और मन्नत मांगते हैं, यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। यही देखिए यही सैयद बाबा का मज़ार है, बहुत पुरानी मज़ार है, हमारे दादाजी बताया करते थे। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हुए हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, तो आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ भी रहिए हमारी वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।